हाय, मेरा नाम है श्री हरि और मेरा नाम है अरशद एंड हमारे चैनल का नाम है मिस्टर फोन और ये है मिस्टर फोन हिंदी का एक नया वीडियो। हाँ जी, आप अगर मिस्टर फोन के इंग्लिश चैनल में पहले आ चुके हैं तो आप ये जानेंगे कि हम काफ़ी सारे रिव्यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स के और उसमें हमने सबसे रिसेंटली रिव्यू किया था Realme 3 Pro का। एग्जैक्टली, सो Realme 3 Pro का जब रिव्यू किया था तो ऑफकोर्स और भी फोन्स थे जिसके साथ लोग कंपैरिजन चाहते थे। हाँ जी। क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो रहा था कौन सा खरीदना है और Realme 3 Pro जैसे ही आया हमने डिसाइड करा कि अब क्योंकि रिव्यू हम कर चुके हैं और आप रिव्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, बट हम चाहते हैं हम इस वीडियो में कंपैरिजन करें Realme 3 Pro एंड Redmi Note 7 Pro का। हाँ जी, तो एक्चुअली सबसे बड़ा डाउट सबके यू नो दिमाग में अभी सवाल ये चल रहा है कि Realme 3 Pro खरीदे या Redmi Note 7 Pro खरीदे। जब Redmi Note 7 Pro लॉन्च हुआ था तभी Realme 3 Pro का हाइप लेके सब बैठे थे कि वो बेहतर हो सकता है करके। yes. लेकिन अभी जब फोन्स आ गए हैं हमें पता है कि हर एक पैरामीटर में कैसा है दोनों फोन और क्योंकि हम रिव्यू कर चुके हैं, उन्होंने Redmi Note 7 Pro रिव्यू किया है, मैंने Realme 3 Pro रिव्यू किया है, इस वीडियो में हम आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो इस वीडियो में होगा दूध का दूध पानी का पानी और हम बताएंगे कौन सा है धमाकेदार और कौन सा बेकार। चलते हैं वीडियो के अंदर, बट उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को और बिल्कुल ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, और बेल आइकन भी दबाना ताकि नए वीडियो का पता चले। तो शुरू करते हैं ये कंपैरिजन एक एक सेक्शन से जैसे हम रिव्यूज करते हैं। तो पहला सेक्शन है डिजाइन। डिजाइन, हाँ जी। तो अगर पहली डिजाइन की बात की जाए तो फिर Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro में एक अंतर है और वो अंतर ये है कि Redmi Note 7 Pro में आपको ग्लास बॉडी मिलती है। एग्जैक्टली, एंड गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है बैक पे भी प्रोटेक्शन के लिए। दोनों के डिस्प्ले पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 है, बट अभी हम डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिजाइन में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नेबुला रेड कलर है और वो नेपटून ब्लू कलर है Redmi Note 7 Pro काफी अच्छा दिखता है। okay. और Realme 3 Pro के कंपैरिजन में मुझे तो Redmi Note 7 Pro का डिजाइन अच्छा लगा। लेकिन श्री, आप बता रहे थे कि आपको Realme 3 Pro का डिजाइन भी काफी अच्छा मुझे एक्चुअली क्या है, लुक्स में आई थिंक मेरे को Redmi Note 7 Pro का ही डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है, बट अर्गोनॉमिक्स में जो कि डिजाइन का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना अर्गोनॉमिक्स, जो वो चीज होती है जब आप हाथ में पकड़ो तो फोन कैसा लगे। एग्जैक्टली, हाथ में पकड़ो तो फोन कैसा लगता है, उसमें Realme 3 Pro मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसका कर्व बैक है, इसका कारण यह है कि वो कर्व बैक है, तो कर्व्ड बैक है तो हाथ में बहुत कंफर्टेबली रुकता है। मुझे इसलिए Realme 3 Pro का ज्यादा पसंद है क्योंकि वो लाइटर भी है थोड़ा, क्योंकि ग्लास नहीं यूज हो रहा एंड इकोनॉमिक्स अच्छे हैं, हाथ में होल्ड बहुत अच्छा है। देखा गया तो दोनों का डिजाइन आई मीन ऑन पार है, बोल सकते हैं कि दोनों की डिजाइन बराबरी में है और Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro में काफी अंतर नहीं। जस्ट यही बात है कि अगर आपको एक प्रीमियम सा फिनिश चाहिए तो फिर ग्लास बैक जो Redmi Note 7 Pro में मिलता है वो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप कुछ लाइट और जो हाथ पे पकड़ने में अच्छा लगे वैसे चाहे तो फिर आपको Realme 3 Pro अच्छा लगता है। एक्चुअली डिजाइन में हम पिक नहीं करते, विनर दोनों को दे देते हैं। तो अब डिजाइन से चलते हैं अगले सेक्शन पे जो है डिस्प्ले। डिस्प्ले स्मार्टफोन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेरे हिसाब से। तो डिस्प्ले एक्चुअली डिस्प्ले है जिसके थ्रू आप पूरा फोन यूज करते हो इन ऑल द लाइफ टाइम, जब भी आप यूज करोगे फोन डिस्प्ले हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, उसी पे आप सारी मूवीज देखते हो, सारे वीडियोस देखते हो, सब कुछ उस डिस्प्ले से करते हो। दोनों में IPS LCD पैनल है। yes. ऐसे लोग बोल रहे थे कि Realme 3 Pro में सुपर AMOLED आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है बिकॉज वो बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं मिड रेंज फोन से। ऐसा नहीं है कि AMOLED पैनल नहीं है, ओप्पो K1 एक फोन आया था जिसमें AMOLED पैनल है जो अराउंड 17,000 के आसपास है, बट दोनों में IPS LCD पैनल है। अगर डिस्प्ले देखा गया तो श्री कौन सा डिस्प्ले बेहतर है? रेजोल्यूशन दोनों में सेम है, आपको Full HD+ मिलता है, एक में ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है, एक में डॉट नॉच डिस्प्ले मिलता है। बेसिकली दोनों सेम ही है, एक ही है। डिस्प्ले से थोड़ा कट कर दिया उन्होंने। आई थिंक डिस्प्ले क्वालिटी में, डिस्प्ले कलर टोन्स में स्पेशली मैंने रिव्यू में ये देखा था कि Realme 3 Pro के वाइट टोन्स बेटर है, जो कलर टेम्परेचर है, जो स्क्रीन है वो थोड़ा और बेटर है, थोड़ा कलर एक्यूरेट है। तो मतलब वो डिस्प्ले मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा और बेटर क्वालिटी लगा। Redmi Note 7 Pro का डिस्प्ले बिल्कुल बुरा नहीं है, बट अगर आप एकदम नितपिक करके डिफरेंस दिखाना चाहते हैं तो प्रॉब्ली Realme 3 Pro का डिस्प्ले थोड़ा बेटर है और ब्राइटनेस लेवल्स दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। बाहर अगर आप लेके जाओगे तो फिर यू नो कड़ी धूप में आपको मतलब उतना ज़्यादा
मुश्किल नहीं होगा देखने में दोनों फोन्स को खड़ी धूप सही बात कही उन्होंने, कड़ी धूप में सब देख सकते हैं। एंड दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 भी है, तो इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप Redmi Note 7 Pro पिक करेंगे या Realme 3 Pro, दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा। डिजाइन की तरह डिस्प्ले में भी आई थिंक एक फोन को पिक करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो दोनों दो पैरामीटर्स हो गए और दोनों पैरामीटर्स में दोनों फोन्स इक्वल लग रहे हैं, इक्वल लेवल पे हैं। यही तो है इस कंपैरिजन की अच्छी बात कि मुश्किल है इन दोनों में से बताना कौन सा बेटर है। तो अब ऐसे पार्ट में चलते हैं जहां पे शायद थोड़ा और आसान है बताना, जो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगर सॉफ्टवेयर के बारे में शायद आप बताइए। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बताया गया तो फिर ऑफकोर्स Redmi Note 7 Pro में MIUI 10 आता है, और MIUI 10 या MIUI 10 जो भी बोलते हैं, और इसमें कलर ओएस 6 आता है। और लॉन्च में भी काफी बार Realme ने वापस यही दोहराया था कि Realme में कलर ओएस 6.0 विदाउट एड्स, विदाउट एड्स वाला है, एड्स वाला भी हो सकता है, बट अभी Realme के UI में एड्स नहीं है। और अपेरेंटली क्योंकि आजकल वो बोलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि Xiaomi के UI में एड्स है। Redmi Note 7 Pro में काफी एड्स है, हमने काफी एड्स देखा है। आप एड्स को बंद भी कर सकते हैं, एक्चुअली उसके लिए एक अच्छा वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी है, मिस्टर फोन हिंदी के चैनल में, उसको लिंक कर देंगे। बट देखा गया तो डिजाइन वाइज और डिजाइन कंसिस्टेंसी और आइकनोग्राफी वो सब अगर आप देखेंगे तो फिर Redmi Note 7 Pro का काफी बेहतर लगता है मुझे कलर ओएस 6.0 से। कलर ओएस 6.0 काफी मैच्योर हो चुका है, कलर ओएस काफी मैच्योर हो चुका है, बट मेरे हिसाब से अभी भी काफी कुछ अचीव करने के लिए है। yes, उसके हिसाब से MIUI मुझे काफी पसंद आता है। एक्चुअली MIUI अगर हम एड्स को हटा दें तो MIUI विदाउट एड्स एंड कलर ओएस विदाउट एड्स, आई थिंक MIUI पिक करना। इवन अगर दोनों ओएस में एड्स हो तो भी हम MIUI को पिक करें, क्योंकि MIUI में बेटर ऑप्टिमाइजेशन है, मैच्योर है, बिल्कुल जेस्चर्स भी काफी अच्छे लगते हैं, जेस्चर्स अच्छे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो MIUI में काफी तगड़ी है उसके हिसाब से। अगर लेकिन वो एड्स काफी एक्सपीरियंस को ब्रेक करती है, तो अगर हम अभी ये करंट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो Realme का कलर ओएस जस्ट बिकॉज उसमें एड्स नहीं है थोड़ा और स्मूथ लगता है, क्योंकि एड्स नहीं है, इधर उधर एड्स भरे रहते हैं Redmi Note 7 Pro में। बट अगर पिक फिर भी पिक करना है कलर ओएस और MIUI में, मेरा पिक तो MIUI होगा अभी। मेरा पिक करंटली कलर ओएस होगा जस्ट बिकॉज एड्स है Redmi Note 7 में, और मुझे अगर किसी को रेकमेंड करना होगा फोन तो मैं Realme 3 Pro करूंगा क्योंकि एड्स नहीं है उसमें। ठीक है, मैं तो फिर भी Redmi Note 7 Pro रेकमेंड कर सकता हूँ। तो सॉफ्टवेयर से अब अगला क्या है आशा? सॉफ्टवेयर से अगर अगला हम आएंगे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे जो सबको बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मिड रेंज स्मार्टफोन्स में, कैमरा। कैमरा के हिसाब से अगर देखा गया तो फिर Redmi Note 7 Pro में काफ़ी दमदार सेंसर है, IMX586 48 मेगापिक्सल सेंसर, ट्रू 48 मेगापिक्सल, और उसके बाद पिक्सल बेटिंग के साथ आपको 12 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के इमेजेस मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। बट एक चीज़ जो Realme बहुत अच्छा कर रहा है जिसमें भी IMX519 के सेंसर, 519 सेंसर, ये हम रियर प्राइमरी कैमरा की बात कर रहे हैं, रियर कैमरा प्राइमरी कैमरा, एक्चुअली IMX519 है जो OnePlus 6T में यूज होता है, वो सेम सेंसर है। हाँ जी, अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो इसका, कैमरा कंपैरिजन हम डाल चुके हैं इंग्लिश चैनल में, वो भी आप यहाँ पे हम लिंक कर देंगे, आप जरा जरूर देखना उस वीडियो को। एंड एक्चुअली Realme 3 Pro और OnePlus 6T का भी एक कंपैरिजन आपको इंग्लिश के चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज उसको जाके चेक करें। बट मैंने एक्चुअली कैमरा कंपैरिजन किया था Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro का, Realme 3 Pro अच्छा है, कुछ चीजें जैसे Realme 3 Pro में एक्सपोजर कंट्रोल बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, इवन OnePlus 6T से कंपैरिजन में भी कुछ जगहों पे उसका एक्सपोजर कंट्रोल बेटर है। एंड ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि Realme 2 Pro में एक्सपोजर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। बट Redmi Note 7 Pro का ये खासियत है कि वो काफी हद तक उसे उसकी एल्गोरिथम काफी मैच्योर हो चुकी है, तो पोर्ट्रेट मोड अगर देखा गया काफी बेहतर लगा मुझे। हाँ। तो और अगर आप देखते हो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, कैमरा ऐप देख लो, वो सब काफी मामले में अगर एंड टू एंड देखा गया तो फिर मेरे हिसाब से तो Redmi Note 7 Pro, आई थिंक कैमरा परफॉर्मेंस में मैं भी पिक करूंगा Redmi Note 7 Pro को। एक्चुअली जब मैं रेकमेंड भी कर रहा होता फोन्स किसी को जो कोई पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए 20,000 के अंदर, देन Redmi Note 7 Pro, यू कांट गो रॉन्ग विद दैट फोन। तो अगर Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro में अगर आप कैमरा चाहते हो एंड इफ दैट इज वो आपका सबसे बड़ा पैरामीटर है तो फिर आप मेरे हिसाब से Redmi Note 7 Pro बेटर चॉइस है। दैट सेड अगर आप Realme 3 Pro लेते हो
तो ऐसा नहीं आपको बुरा कैमरा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बहुत कंपेरेबल है। बट काफी लोगों को वो Realme 3 Pro का कैमरा भी पसंद आएगा क्योंकि सैचुरेटेड, हाँ काफी कलर्स एकदम उभर के आते, एकदम पंची से हैं, तो फिर वो काफी लोगों को पसंद आएगी और पंची उड़ जाते हैं तो तो कैमरा का वर्डिक ये था, बट अगला सेक्शन भी और भी इम्पोर्टेंट है, वो है परफॉर्मेंस। हाँ जी, परफॉर्मेंस तो बहुत एकदम कंफ्यूजन सा चल रहा था कि 710 है स्नैपड्रैगन तो फिर मतलब 675 बेटर है या 710 बेटर है। नंबर के हिसाब से 710 बेटर है, नंबर के हिसाब से 710 क्योंकि 7 इज बेटर देन 6 जैसा माधव सेठ ने लॉन्च के टाइम पे बोला था कि there's no denying the fact कि 7 is better than 6 and bigger than 6. But let's not, मतलब अगर आप वैसे direct comparison तो कर नहीं सकते, हमने benchmarks चलाए सब, exactly. हमने use करी है phone को, तो उसके हिसाब से तो CPU benchmarks में मेरे हिसाब से Redmi Note 7 Pro का 675 better है 710 से. So 675 और 710 में confusion सबसे ज़्यादा इसलिए आई थी क्योंकि 675 नया आया था, 710 को almost एक साल हो चुका है आते हुए, 675 बहुत recently release हुआ था, जिसकी वजह से ये confusion आई थी कि ये नया प्रोसेसर है तो बेटर होएगा, कोर्स बेटर होंगे, एंड वो सच है। सो Redmi Note 7 Pro के Snapdragon 675 में एक नया कोर यूज़ हुआ है जो जो क्रायो 460 है, एंड स्नैपड्रैगन 710 में जो आपके Realme 3 Pro में उसमें एक पुराना कोर यूज हुआ है स्लाइटली जो है क्रायो 360। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट Antutu और Geekbench के बेंचमार्क्स में आपको CPU स्कोर में डिफरेंस दिखता है। और ये बेंचमार्क, लेकिन बेंचमार्क तो नंबर्स होते खैर, बट डेली परफॉर्मेंस में लेकिन मुझे ऐसा लगा कि Realme 3 Pro थोड़ा बेहतर था। मुझे भी लगा, मेरे को भी यूज़ करते हुए लगा, एंड एक्चुअली हम लोगों ने रिसेंटली टेस्ट करते Realme 2 Pro भी उठाया था एंड वो भी बहुत स्नैपी था। अब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि Realme 3 Pro स्नैपी तो है अभी, बट मुझे लगता है कि Xiaomi का जो एड एक्सपीरियंस है उसके कारण थोड़ा और स्लो लगता है। बट काफी लोग ने ऐसा भी बोला है कि Redmi Note 7 Pro उनको काफी फास्ट लगा है, कुछ लैग मिला नहीं है, तो मे बी हमारे यूनिट में भी कुछ, बट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई थिंक UI डेली यूसेज में Realme 3 Pro थोड़ा स्नैपी है, इनफैक्ट गेमिंग में भी बेहतर है। गेमिंग में तो Realme 3 Pro ने एक्चुअली प्रूव कर दिया है कि Realme 3 Pro बेटर है। हमने गेम बेंच टेस्ट रन किए थे, तो हम लोग ऐसी हवा में नहीं बोल रहे, हम लोगों ने गेम बेंच टेस्ट रन किए थे जो आप हमारे रिव्यू एंड एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन, गेमिंग कंपैरिजन कराया हमने अपने इंग्लिश चैनल पे, जिसमें एक पबजी है, बेंचमार्क्स है और बैटरी टेस्ट भी है जिसमें हम आएंगे अभी बैटरी वाले सेक्शन में। बट गेमिंग में Realme 3 Pro ने सबको बीट कर दिया था, सैमसंग A50 और Redmi Note 7 Pro को बीट कर दिया था, मेनली क्योंकि उसका GPU बेटर है, बहुत पावरफुल है, उसमें Adreno 616 है और Snapdragon 675 में Adreno 612 है। एग्जैक्टली, ये तो नंबर के हिसाब से ही मतलब बेटर है, बेटर और एक्चुअली भी बेटर GPU है। आपको गेमिंग अगर करना है तो PUBG के साथ तो फिर Realme 3 Pro बेटर है गेमिंग। और ना ये काफी सारे लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि काफी सारे यूट्यूबर्स आपने देखा होगा ऐसे बता रहे होंगे कि Realme 3 Pro में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमें तो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं लगा, हीटिंग प्रॉब्लम कोई हीटिंग प्रॉब्लम्स नहीं आई है। आप एक घंटे तक पबजी खेलो तो भी मतलब थोड़ी, मतलब जैसे रेगुलर वार्म होती है फोन वैसे होती है, उससे ज़्यादा तो हीटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब सिर्फ बोलने वाली बात है। एग्जैक्टली, तो वो था परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस में अगर पिक करना गया तो Realme 3 Pro में आसानी से। अब परफॉर्मेंस से आते हैं, आई थिंक बैटरी लाइफ अनदर सेक्शन जो जिसके बारे में ज्यादा लोग लड़ नहीं रहे क्योंकि उसमें क्लियर विनर है जो है Realme 3 Pro। ओके, विद हाँ बैटरी लाइफ में तो मतलब बैटरी लाइफ के हिसाब से अगर देखा गया तो Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro में ज्यादा अंतर तो है नहीं, लेकिन बैटरी चार्जिंग, चार्जिंग में जो Realme 3 Pro का जो ब्रिक है ना वही मारे फेंक के तो Redmi Note 7 Pro टूट जाएगा ग्लास बॉडी जो भी है। बट बात यह है कि Realme 3 Pro की VOOC 3.0 चार्जिंग के कारण वो फोन जो 4045 mAh की बैटरी है चार्ज हो जाती है 1 घंटे और 20 मिनट में। एग्जैक्टली, मतलब OnePlus 60 भी 3700 mAh बैटरी के साथ डैश चार्जर से 1 घंटा 30 मिनट लगता है, उससे कम टाइम उससे बड़ी बैटरी को चार्ज कर रहा है। यहाँ पे वो मिथ कि USB-C से फास्ट चार्जिंग होता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोग बोल रहे थे कि USB-C मतलब उनको लगता है फास्ट, लेकिन USB-C से काफी सारे एडवांटेजेस हैं। Exactly. जो ऑब्वियसली USB-C के कारण Redmi Note 7 Pro में भी मिलता है आपको। Exactly. बट Realme 3 Pro में वो एडवांटेजेस आपको डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर USB Type-C ना हो
लेकिन बुक चार्जिंग के कारण तो उसमें काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. एग्जैक्टली. आप मतलब उसने वो कर दिया कि मेकअप कर दिया उस फैक्ट के लिए कि माइक्रो यूएसबी है विद द चार्जर. दैट सेड, Redmi Note 7 Pro में भी 18 वॉट तक चार्जिंग सपोर्टेड है. सॉरी, क्विक चार्ज 4.0. बस उसका चार्जर डब्बे में नहीं आता. डब्बे में नहीं आता और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं. बात यह है कि कहीं भी क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 वाली चार्जर कहीं नहीं मिल रही है. अगर आपको कहीं मिल गई है तो फिर प्लीज हमें भी बता दीजिएगा और आपके दोस्तों को भी. कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग एक्चुअली मंगवा लेंगे और टेस्ट कर लेंगे आपके लिए. तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिए अगर आपको एक अच्छा क्विक चार्ज. हमें लगता है कि हमें अली एक्सप्रेस या गियरबेस कहीं से मंगवाना पड़ेगा बाहर से. तो एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि अब हमें अगर प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में तो दैट इज अ बिग पेन पॉइंट. आप लोग जब फोन खरीदते हैं तो आपको तो और भी ढूंढना पड़ेगा. बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. इट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग बट वो होना एक एडवांटेज. और एक बार आप वो यूज करते हैं फिर आपको बाकी फोन बहुत स्लो लगते हैं चार्जिंग में. क्या लगता है, एक फास्ट चार्जिंग की स्टैंडर्ड चार्जिंग नहीं होनी चाहिए सब जगह? सब अपना अपना स्टैंडर्ड बना के फिर लड़ेंगे कैसे? वो बात नहीं भाई, कंपेयर नहीं करेंगे. बैटरी के हिसाब से बैटरी में आई थिंक बैटरी लाइफ क्योंकि सेम है दोनों में ऑलमोस्ट, बट बैटरी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखा गया तो Realme 3 Pro में बेटर है. नाउ आ जाते हैं बात मल्टीमीडिया की. मल्टीमीडिया मतलब वीडियो और ऑडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस की. वीडियो में अगर आप देखें तो Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro में काफ़ी अंतर नहीं है. डिस्प्ले सेम है, ना कि कोई HDR है. बट Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro में अगर ऑडियो परफॉर्मेंस देखें थ्रू हेडफोन जैक तो Realme 3 Pro की परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है. अगर आप एक्चुअली Xiaomi के फोन में Mi 8 की ऑडियो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बट Redmi Note 7 Pro में उतनी अच्छी नहीं है कंपेरेटिवली. और स्पीकर्स में तो ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, बट ओवरऑल जस्ट बिकॉज हेडफोन जैक परफॉर्मेंस Realme 3 Pro में स्लाइटली बेटर है. अगर आप गाना काफ़ी सुनते हैं, अगर आप स्पॉटिफाई करते हो या यू नो गाना सुनते हो, बहुत बड़ी जोक, नेवर माइंड, तो फिर आप Realme 3 Pro पसंद कर सकते हो. एग्जैक्टली. और मल्टीमीडिया की बात आती है तो वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों फोन्स में टेक्निकली है. या Realme 3 Pro में एक्चुअली हमारे प्री प्रोडक्शन यूनिट में नहीं था बट Realme ने बोला था कि रिटेल यूनिट्स में L1 सर्टिफिकेशन है. Redmi Note 7 Pro में L1 सर्टिफिकेशन है लेकिन Netflix या Prime ने उनको परमिशन अभी तक नहीं दिया है कि वो HD में दिखा सके. तो L1 सर्टिफिकेशन तो है मार्केटिंग के लिए है लेकिन अब तक HD प्लेबैक आया नहीं है. अगर आ गया है तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, बट हमें लास्ट चेक किया हमने तब तक तो नहीं आया था. और Realme 3 Pro में अगर आया है कि नहीं वो भी लोगों के पास फोन जाकर पता चलेगा. हमें फिलहाल तो हमारे यूनिट में नहीं है. आई थिंक एक और चीज़ है जो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो Redmi Note 7 Pro की बहुत क्लियरली बेटर है. तो अगर आप बेटर है एग्जैक्टली तो आजकल क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फोन्स लेते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, अपना वीडियो कॉल्स भी करते हैं और आप फ्रंट कैमरा से कुछ वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं. ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट क्योंकि बहुत सिमिलर है दोनों का, ऑडियो आउटपुट एक्चुअली Redmi Note 7 Pro का बहुत बेटर है. तो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं बहुत अपने कैमरा से, वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, ऑडियो से रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉग कर रहे हैं, तो आई थिंक द Redmi Note 7 Pro इज़ अ बेटर फोन इन दैट सेंस. तो बात ऐसे हुई कि मतलब यहाँ वहाँ कर करके आई थिंक मल्टीमीडिया में एक जैसे ही दोनों में मतलब काफ़ी दोनों के पास अपने एडवांटेज. बट अगर आप गाना काफ़ी सुनते हो तब तो फिर आप Realme 3 Pro प्रेफर कर सकते हो. या अगर आप मीडिया कंजम्पशन करते हो तो Realme 3 Pro, अगर प्रोड्यूस करते हो मीडिया क्रिएट करना चाहते हो तो फिर तो Redmi Note 7 Pro इज अ बेटर चॉइस. क्योंकि वीडियो में भी थोड़ा स्टेबिलाइजेशन में Redmi Note 7 Pro बेटर है, तो आपको Redmi Note 7 Pro फिर आपका चॉइस होना चाहिए. तो अब आते हैं अपने हमारे इंग्लिश में सेक्शन को हम वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं. हिंदी में हम बोलने वाले पैसों का वर्थ. तो आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपका बेस्ट वैल्यू कहाँ मिल रहा है आपको इन दोनों फोन्स में, ये हम बताने वाले हैं. तो Redmi Note 7 Pro में आपको क्या लगता है? Redmi Note 7 Pro का प्राइस 13,999 से चालू हो रहा है और सेम है दोनों का प्राइस. Realme 3 Pro का है, दोनों प्राइस सेम है. लेकिन अगर वैल्यू देखा गया जो Realme में आपको ऑफर हो रहा है थोड़ा ज्यादा है. मुझे लग रहा है कि Realme 3 Pro में थोड़ा और ज्यादा वैल्यू है, बट क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन 710 थोड़ा मोर पावरफुल है, कैमरा तो ऑलमोस्ट पार है, बट वूक चार्जिंग के कारण सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ता है. हाँ, मुझे भी लगता है आई थिंक वूक चार्ज बाकी सारी चीज़ों में भी वैल्यू है, बट सेम प्राइस पे अगर मुझे एक फ़ोन पे
अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे थोड़ा बेटर प्रोसेसर मिल रहा है, अगर मुझे एक बेटर फास्टर चार्जर मिल रहा है, वो सिंपली बेटर वैल्यू फॉर मनी है. मुझे लगता है उस प्राइस में मुझे ज़्यादा मिल रहा है Realme 3 Pro के साथ कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro. अगर वैल्यू फॉर मनी देखा गया तो फिर Realme 3 Pro के साथ जाते हैं. तो फिर इसके साथ हम फिनिश करते हैं. तो ये था हमारा पूरा कंपैरिजन जिसमें हमने सारे पैरामीटर, सारे फीचर्स हमने सब कंपेयर कर लिया. और अभी हमने कुछ स्पेशल बनाया है इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो से ये सीरीज से हम चालू करने वाले ये स्पेशल चीज़, और ये हम इसको बोलने वाले हैं दमदार मीटर. दमदार मीटर में, दमदार या बेकार स्केल में, Redmi Note 7 Pro यहाँ पर है, और दमदार मीटर पे Realme 3 Pro यहाँ पर है. सो दोनों फोन्स की आपने दमदार मीटर देख ली, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है. और इसके हिसाब से आप देख लीजिए आपको क्या खरीदना है. लेकिन अगर मुझे पूछा गया कि मेरा फेवरेट कौन सा है और मैं जो रेकमेंड करूँगा लोगों को, बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब कठिनाई से, दिल पे पत्थर रखकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं Redmi Note 7 Pro पिक करूँगा, क्योंकि मुझे कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद है. तो अगर आप मेरी तरह हो, आपको कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आप चाहते हो आपके फ़ोन से कि कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो आप Redmi Note 7 Pro ज़रूर पिक कर दीजिएगा. ओके, मेरे लिए एक्चुअली UI, मैं भी MIUI यूज़ करना पसंद करता दोनों फ़ोन्स में अगर मुझे चॉइस दिया जाता. बट एड्स यूज़ करने के बाद मेरे को ऐसे कि कुछ भी दे दो, बस मुझे एड्स वाला UI नहीं चाहिए. बट उसके अलावा आई थिंक मैं Realme 3 Pro चूज़ करूँगा, जो कि हमने कंपैरिजन में भी देखा. मैंने बताया कि मेरे को वो चार्जिंग बहुत ही अच्छी लगती है, वो गेमिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने टेस्ट करा है और मुझे पता है मुझे बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है. कैमरा में आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरा Redmi Note 7 Pro में बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगा. दैट सेड, मैं बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला कैमरा, सिर्फ कैमरा के लिए. प्लस मुझे लगता है कि मैं आराम से एक जी कैम इंस्टॉल करके बेटर फोटोज़ मिल सकते हैं मुझे कैमरा से. तो मैं इसलिए इस प्राइस पे, बिकॉज ऑल्सो मेरे को बेटर वैल्यू फॉर मनी लगता है, मैं Realme 3 Pro सजेस्ट करूँगा ईजिली. We agree to disagree. यहाँ पे दोनों में से कोई भी फोन बेकार नहीं है. Yes, definitely दोनों दमदार है. बहुत ही ज्यादा दमदार है. बहुत ही ज्यादा. इनफैक्ट अगर आप सोचें कि कुछ साल पहले फ्लैगशिप्स ही मिलते थे, आप ऐसे फोन जिस प्राइस पे सोच भी नहीं सकते थे. फ्लैगशिप वाले कैमरा सेंसर्स आ गए इसमें, सुपर मिड रेंज चिपसेट्स आ गए, तो फिर काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें. Yes. तो दोनों फोन्स काफ़ी दमदार है, और हमारे हिसाब से दोनों फोन्स के ऑडियंस जनो माधव सेट हो गया. नहीं, ये सही नहीं होगा. हम हैं अरशद और श्री हरी और हम विदा लेते हैं आपसे इस एपिसोड में. हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप चाहते हैं हम उसके बारे में बात करें, तो हम वो भी करें. अगर आप इंग्लिश चैनल से यहाँ पे आ रहे हो, आप जानते ही होंगे कि हम दोनों हिंदी में बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, तो फिर आप बता दीजिए हमें कि आपको क्या डिफरेंट चाहिए. बट ये सीरीज हम जारी रखना चाहेंगे और हिंदी हम तो बह रही है. यार मेरी हिंदी मतलब थोड़ी बहुत मतलब है, व्हाटएवर. बट ये सीरीज हम जारी रखना चाहेंगे और इसे हम जरूर, और ये सीरीज का नाम होगा दमदार या बेकार.